फिर मेरे को घर बुला के जान से मारने की धमकी दी। मेरे को जाते से बोल रहे साले तुम लोगों की औकात ये तालाब लेने की नहीं है, तुम लोगों की औकात गुलामी करने की है, वो तुम करते रहो। घेर लिया मेरे को, कह रहे जोड़ना भूल जा, आने दो खत्म बना देंगे। पास पहले तालाब था, उन लोगों ने इसके साथ गुंडागर्दी मचाई है, इसको मारा पीटा है। मैंने उनको बोला जिस कमेटी ने मेरे को पट्टे पे जोड़ दिया, आप उनसे जाके बात करो। अगले दिन आते हैं, मौका का मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। इसको जान से मारने की धमकी दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता संसार क्रांति न्यूज से। देसी देख बिना ब्रेक और शेयर और लाइक पे अंगूठा टेक। आप सबने दबंग पिक्चर भी देखी होगी, दबंग 2 भी देखी होगी और खूब आपने सिल्वर स्क्रीन पर जब गाने बजते होंगे हुड़ हुड़ दबंग 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 तो तालियां भी बजाई होंगी। लेकिन जब वास्तविक तौर पर किसी के साथ दबंगई होती है और कैसा उसे लगता है और न्याय पाने के लिए वो कैसे दर दर भटकता है, इस समय आप लाइव अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कैथर के सचिवालय से, जहां पर दबंगई से पीड़ित कुछ दलित भाई हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? संदीप। संदीप, ये बताइए कौन से गांव से हैं आप? फरल से। फरल से हैं, तो किस बात को लेकर आपसे दबंगई की जा रही है? सर जी, मैंने उसमें पट्टे पे जोड़ लिया था गांव की कमेटी से, तो वहां मैंने काम शुरू कर दिया। पहले तो मेरे लेबर भगा दी वहां से, फिर मेरे को घर बुला के जान से मारने की धमकी दी। मेरे को जाते से शब्द बोल रहे, कह रहे जे जोड़ पड़ गया तना खत्म बना देंगे। उसके बाद मैंने 25 तारीख को मामला दर्ज करा दिया पोंडरी थाने में, वहाँ पर उन पर धार लग गया, सेक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया। उसके बाद कल DSP साहब जांच के लिए गए, DSP साहब जांच करके आए और शाम को लोग फिर आए, फिर मेरे को धमकी दी, क्या जाओ दरखास्त डाले और भूल जा जोड़ना, आने नो ख़त्म बना देंगे। कितने लोगों के खिलाफ आपने दरखास्त दी है? 5 आदमी के खिलाफ सर। अच्छा, तो 5 अभी आप ही की जाति से में भी है कुछ या वो सब अलग जाति? सब राजपूत। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आपको क्यों वहाँ से कब्जा हटवाने की कोशिश कर रहे हैं? सर जी, वो लोग देख के राजी नहीं, गरीब आदमी को भाई क्यों खा रहे हैं कमा का, क्यों रह रहे हैं चैन तगामा, दबा के रखने की कोशिश चल रही है भाई, इनको वहीं रखें जहाँ पहले थे। लाइव दर्शकों को बताइए क्या कुछ आपके साथ वाकया पूरा पेश आया जिस दिन की घटना है, क्या कैसे कुछ आपके साथ हुआ, क्या आप जोड़ पर थे, वो लोग आए कैसे, मारपीट हुई, क्या किया बताइए? पहले वो लोग जोड़ पे आए, उन्होंने लेबर दबा दी, फिर उन्होंने बोला, मैंने जोड़ पे आकर उनके पास फ़ोन करा, महा भाई कहाँ, कह रहे हम घर, हाँ तुम्हारे घर आ जा। मैं और राकेश उन्हें घर पे गए, घर पे उन्होंने बहुत बदतमीजी से पेश आया, माले गड़खंडा पकड़ा और जाति सुझे शब्द बोल रहे, गाली दी, माँ बाण करी, न कह रहा गोली चला देंगे, धमकी दी, पूरी जान लेवा खतरनाक, पूरे ने लोगों ने जितना परिवार था उनका चारों तरफ से घेर लिया मेरे को, कह रहे जाते जोड़ना भूल जा, आने दो खत्म बना देंगे उनका। मैंने उनको बोला जिस कमेटी ने मेरे को पट्टे पे जोड़ दिया, आप उनसे जाके बात करो। कह रहे ना हम कमेटी मान दे ना हम तना मान दे, कौन कमेटी है उनका? मैंने कहा उसी कमेटी ने आपको जोड़ दिया था, उसी कमेटी ने मेरे को दिया, रजिस्टर कमेटी या, और उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे बात करने के बजाय मेरे को तंग कर रहे हैं वो, क्योंकि जबकि मेरे साथ उनका बात करने कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ? देखो साहब, जो तो गुंडा कर दिया सर, गुंडा कर दिया तो हाँ। पहले भी उनकी ऐसी कोई रिपोर्ट रही है गांव में, कैसे व्यक्ति है वो? बात आप थाना पोंडी थाना उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा मामले दर्ज उनके यहाँ। तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उनके नाम क्या क्या है? मंजीत, सुखबीर, दिलबाग, गोरू, समा, सभी फरल गाँव के। हाँ, सभी फरल गाँव के। पिता के नाम क्या क्या है? उनके एक का नाम छोटू, ओमबीर, गैनू, बुद्धू जी। तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है कुछ बता सकते हैं? प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? और प्रशासन के जाने के बावजूद भी हम गोदम की दे रहे हैं लोग। तो आज आप यहाँ पर क्या मांग लेकर आए? हम लोग DC साहब के पास आए हैं, मांग लेके SP और DC साहब के पास, भाई हमारी सुरक्षा की जाए, उनको गांव फरल के अंदर पुलिस बिठाई जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमारी ये मांग है जी। बस जी, तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और अखिल भारतीय दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। आज जैसा कि भाई पीड़ित जो साथी है हमारा संदीप कुमार जी, जो गाँव फरल से है, उनके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तालाब इन्होंने पट्टे पर लिया है गांव की रजिस्टर्ड संस्था से, और जिन लोगों के पास पहले तालाब था उन लोगों ने इसके साथ गुंडागर्दी मचाई है, इसको मारा पिटा है, इसको जान से मारने की धमकी दी है। जब 23 तारीख ने इसने थाना पुंडरी के अंदर जाकर के उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उसी एप्लीकेशन के आधार पर 25 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न कई अन्य धाराओं के साथ मुकदमा। IPC 5 और SPSC और भी कई धाराएं होगी, मैंने FIR अभी तक नहीं देखी। हाँ, के खिलाफ है, तीन हाँ, हाँ, तो 5 लोगों के खिलाफ उसे मुकदमा दर्ज हुआ
मुकदमा दर्ज होने के बाद भी डीएसपी साहब अगले दिन आते हैं, मौका का मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद अब तब तक कोई दोषी अरेस्ट नहीं होता और डीएसपी साहब के मौका के मुआयना के बाद जब डीएसपी साहब चले जाते हैं तो तुरंत दबंग एक दिलबाग नाम का है, उन पांचों दोषियों में से एक है दिलबाग, अपने कुछ गुंडों के साथ इसके घर पे आता है, इसके साथ संदीप के साथ मारपीट करता है, इसको बहुत गलत बोलता है कि घर में घुस करके इसके परिवार को इनको धमकाने का काम करता है और कहता है कि साले तुम लोगों की औकात ये तालाब लेने की नहीं है, तुम लोगों की औकात गुलामी करने की है, वो तुम करते रहो और तालाब लेना हमारा काम है। और गांव की जो कमेटी है वो सारी की सारी कमेटी जो है भाई संदीप के साथ है, 36 बिरादरी के लोग भाई संदीप के साथ है। जो पांच नामजद आरोपी हैं वो गुंडागर्दी किस्म के लोग हैं, गुंडागर्दी मचाने का काम करते हैं, हर जगह गुंडागर्दी वो लोग मचाते हैं। गाँव में कई बार पहले भी उन लोगों ने ऐसे ही गलत काम किए हैं और पुलिस ने जब दोबारा एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद दोबारा पीड़ित को धमकाने के लिए गुंडे जाते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कहाँ सुरक्षित है गरीब समाज के तो लोग। आपने बताया कि एफआईआर होने के बाद भी धमकाया जा रहा है, तो उसके बाद अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांगे करते हैं? उसके बाद जो भी धाराएं बनती है दोबारा से उसके अंदर वो धाराएं एडिट की जाए और पीड़ित परिवार के घर के पास वाल्मीकि बस्ती में एक पुलिस की चौकी आज से ही बिठाई जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50-70 लाइसेंस उस मोहल्ले में मुहैया करवाए जाएं ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे अभी तक ये साबित नहीं होता कि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ है, क्योंकि अगर पुलिस पीड़ित परिवार के साथ होती तो अभी तक जो नामजद दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होते। और मेरी पुलिस प्रशासन से भी यही गुहार है और 36 बिरादरी के लोगों से मेरी अपील है कि आप सारे के सारे साथी भाई संदीप के साथ खड़े हो जाइए, वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हो जाइए, गांव की जो कमेटी है जिस कमेटी ने इनको वो देने का काम किया है तालाब पट्टे पर उनके साथ खड़े हो जाइए ताकि ऐसे गुंडागर्दी किस्म के लोगों को सबक सिखाया जा सके। और अभी भी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आप किस स्तर पर जाएंगे? देखिए मैं अखिल वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, फिर ये मुद्दा ये तो है नहीं कि एक गांव का मुद्दा है, एक बिरादरी का मुद्दा है या एक घर का मुद्दा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा होगा। ठीक है, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो अखिल वाल्मीकि महापंचायत का बच्चा बच्चा 36 बिरादरी के लोगों के साथ मिलकर के इसका साथ देने का काम करेगा और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा उन दबंगों का पीछा छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल फिलहाल में हमारे देश ने संविधान दिवस मनाया है और उसी दिनों के कुछ बाद ही भीमराव अंबेडकर के वंशज कहे जाने वाले हमारे दलित भाइयों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, जिस तरह की दबंगई हो रही है वो तो शर्मनाक है ही, और उनकी शिकायत पर कार्रवाई ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसे प्रशासन को तुरंत देखना चाहिए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा भी होनी चाहिए। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट, मैं डॉक्टर विनय संसार क्रांति न्यूज से कैथल के सेक्रेटरी से अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।